रसिया यूक्रेन वार को 1 साल 9 महीने हो चुका है और रसिया अभी भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया है। यूक्रेन को देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा देश है और रसिया को देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड में सैन्य मामलों में नंबर 2 पे आता है, कई मामलों में तो अमेरिका से कहीं आगे है। ऐसे देश को भी अगर यूक्रेन जैसे छोटे देश को जीतने में इतना समय लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो वजह होगा ना, और ये वजह है ड्रोन्स। अमेरिका है ना, ये यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई कर रहा है और ये ड्रोन्स रसिया के गले की हड्डी बन चुकी है और इसके वजह से रसिया तक को ईरान से ड्रोन्स लेना पड़ रहा है। ईरान, अगर आप सैन्य मामलों में देखें तो ईरान कहीं नजर नहीं आता है। ऐसे ईरान से रसिया तक को अगर ड्रोन्स लेने की जरूरत पड़ गई तो ये ड्रोन्स कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं आजकल के मॉडर्न वारफेयर में। और एक साल पहले का बात है, तुर्की अपने ड्रोन्स को लेके ना बहुत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हल्ला मचाए हुए था और पाकिस्तान ने भी उस ड्रोन को खरीदा जिसका नाम है TB2 ड्रोन। और वहीं एंट्री होता है इंडिया के तपस 201 ड्रोन का, टेक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस एवियन हॉरिजन 201। तो अमेरिका का जो प्रीडेटर ड्रोन है आज भी नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। वो मोस्ट एडवांस अगर ड्रोन, अगर आप किसी ड्रोन को बोलोगे तो वो अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन ही है जो पूरी दुनिया में अभी भी नंबर 1 पे। और उसको भी शुरुआत में सर्विलेंस पर्पस से ही बनाया गया था, लेकिन बाद में उसमें वेपन्स को ऐड किया गया जिसके वजह से आज वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। और सेम इसी नक्शे कदम पे चलते हुए जो हमारा तपस है, शुरू में सर्विलेंस के पर्पस से ही बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान का जो TB2 ड्रोन है जो तुर्की से लिया हुआ, इसी की वजह से इंडिया ने भी बस कुछ नहीं किया, एक सर्विलेंस पर्पस से जिस ड्रोन को बनाया था उसमें हथियार वगैरह जोड़ दिए। और जब इसमें हथियार जुड़ गया तो अब हम देखते हैं जो तुर्की का TB2 ड्रोन है जिसको पाकिस्तान खरीदा है और हमारा जो तपस ड्रोन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम देखें तो युद्ध ड्रोन से ही होने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन अनमैन्ड व्हीकल होता है, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होता और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। जैसे तपस को अगर आप देखिए तो एक राफेल के प्राइस में लगभग हम 50 तपस खरीद सकते हैं। तो एक छोटा सा हम कंपेरिजन करते हुए, जो तुर्की का TB2 ड्रोन है जो हमारे इंडिया का तपस ड्रोन है, मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया, इससे छोटा सा एक कंपेरिजन करते हुए हम देखते हैं कौन बेहतर है। छोटे से छोटे चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक 76 से ज्यादा तपस ऑर्डर कर दिया गया है जिसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है फिलहाल। अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो ये है 31 फीट, और अगर इसके हम विंग्स स्पैन की बात करें, क्योंकि विंग्स स्पैन ही मैटर करता है कि जो हमारा प्लेन है या फिर हमारा ड्रोन है वो कितना स्टेबल होने वाला है, तो इसका जो विंग्स स्पैन है वो है 67 फीट। मतलब ये काफी स्टेबल रहने वाला है हवा में। अगर हम TB2 ड्रोन की बात करें तो इसका जो विंग्स स्पैन है ओनली 40 फीट ही है। तो कहाँ 40 फीट और कहाँ 67 फीट, आप अंतर देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विंग्स स्पैन होगा उतना ज्यादा ड्रोन के पास स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब उतने ही अच्छे से वो हवा में काम कर सकता है। अगर इंजन की बात की जाए तो ये टर्बो प्रूफ इंजन का इस्तेमाल करता है जिसके ब्लेड प्लेन से बाहर होते हैं और इसमें 3 ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। जो मैक्सिमम पावर होता है ये जनरेट कर सकता है 180 हॉर्स पावर। लेकिन अगर वही हम TB2 ड्रोन टर्की की बात करें तो इसका जो इंजन है वो मैक्सिमम 100 हॉर्स पावर तक ही जनरेट कर पाता है। तो इंजन के मामले में भी देखिए तो जो हमारा तपस है वो टर्की और पाकिस्तान के TB2 ड्रोन से बहुत आगे है, क्योंकि इंजन पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना पेलोड ले जा सकता है। तपस 350 केजी से ज्यादा वार मटेरियल्स लेके वार जोन में जा सकता है, लेकिन वही TB2 ड्रोन ओनली 150 केजी तक ही पेलोड ले जा सकता है। अगर तपस के 350 केजी की क्षमता को देखा जाए तो ये 7 हेलिना मिसाइल को कैरी कर सकता है। एक हेलिना मिसाइल का जो वजन होता है वो 50 केजी होता है। और जैसे हम अमेरिका के P-8I विमान को सबमरीन हंटर बोलते हैं जो इंडियन नेवी 12 की संख्या में खरीद रखा है USA से, वैसे ही ये हेलिना मिसाइल टैंक हंटर है। मतलब एक हमारा जो तपस ड्रोन है वो 7 पाकिस्तान या तुर्की के जो टैंक है उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूत करने की क्षमता रखता है। अगर सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 35,000 फीट पे उड़ सकता है, जहाँ पे कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं, और इतनी ऊंचाई पे उड़ने का इसके पास एक खास बेनिफिट है, ये दुश्मन के नजर से बचा रहता है। लेकिन अगर वही हम TB2 ड्रोन की बात करें तो इसका सर्विस सीलिंग, मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 25,000 फीट तक ही है। तो सर्विस सीलिंग के मामले में भी तपस TB2 ड्रोन से बहुत आगे है। अगर हम एंड्योरेंस की बात करें, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है किसी भी ड्रोन के लिए ये कितना देर तक उड़ सकता है हवा में, तो तपस का जो एंड्योरेंस है वो 18 आवर टू 24 आवर है, मतलब ये 24 घंटा तक हवा में उड़ सकता है। अगर हम रेंज की बात करें तो ये 1,000 किलोमीटर दूर तक जाके ऑपरेशन कर सकता है, चाहे लेंथ हो, एंड्योरेंस हो या सर्विस सीलिंग, कहीं भी पाकिस्तान टर्की का जो TB2 ड्रोन है
तपस के आगे कहीं फिट नहीं बैठता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज किसी भी ड्रोन या किसी भी फाइटर प्लेन के लिए उसका नेविगेशन सिस्टम। आजकल के जो फाइटर प्लेन्स है, जो ड्रोन्स है, बहुत सारे कंट्री के जैसे पाकिस्तान हो या टर्की हो, ये GPS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारा भारत का तपस है वो GPS का यूज ही नहीं करता है, क्योंकि GPS का कंट्रोल अमेरिका के पास है। आपको याद ही होगा हमारा कारगिल वार 1999, हमारे सैनिक मर रहे थे, लेकिन ये छुट्टा जो अमेरिका है ये तक नहीं बता रहा था कि दुश्मन कहाँ है। क्योंकि जब कारगिल वार को आप देखोगे ना, तो पाकिस्तानी सैनिकों के पास ना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था कि वो पहाड़ के ऊपर थे। ऊपर से तो नीचे दिख रहा है कि सैनिक कहाँ है, क्या चल रहा है, लेकिन नीचे से जो भारतीय सैनिक थे उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि दुश्मन कहाँ था। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से बोला कि भाई ऐसा करो कि जो दुश्मन है वो पहाड़ के ऊपर है और हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है, तो आप अपने GPS के द्वारा हमें बता दो कि दुश्मन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, जिससे हम काउंटर अटैक कर पाए। लेकिन अमेरिका ने साफ डिनाय कर दिया और फिर यही शुरू हुआ गगन सिस्टम। गगन जो हमारा खुद के लिए बनाया गया एक नेविगेशन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ तपस ड्रोन ही नहीं करता, इंडिया पूरी की पूरी, इंडियन एयरपोर्ट पूरी की पूरी, इंडियन नेवी पूरी की पूरी, इंडियन आर्मी, और यहाँ तक जो आजकल हम ट्रेन देखते हैं ना कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, वेयर इज माई ट्रेन पे, तो वो भी गगन GPS का ही इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स को देखो, इंडियन आर्मी को देखो, सारे के सारे गगन नेविगेशन सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेफ है हमारे लिए। GPS का यूज करना ज्यादा सेफ नहीं है, और इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइटर प्लेन या किसी भी ड्रोन के लिए उसकी आंख है, जो उसके रडार होते हैं वही तो देखते हैं ना कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, मिसाइल कहाँ मारना है, कहाँ नहीं मारना है, कब मारना है। इसमें इस्तेमाल किया गया फुल HD कैमरा। ये फुल HD कैमरा सिर्फ डे लाइट में काम आता है। तो अगर हम रात के सिनेरियो में देखते हैं कि रात में हमें कोई ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए इसमें इस्तेमाल किया गया नाइट विजन कैमरा। लेकिन जब हम रियल वार का बात करते हैं तो ना ही फुल HD कैमरा काम आता है और ना ही ये नाइट विजन काम आते हैं, क्योंकि आजकल का जो वार है ना वो बियॉन्ड विजुअल हो चुका है, जो हमारे आंखों से दिख तक नहीं रहा है। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया वो थर्मल कैमरा का इस्तेमाल किया गया। थर्मल कैमरा को किसी चीज से मतलब ही नहीं होता, ना ही नाइट विजन से, ना ही फुल HD से। वो सिर्फ थर्मल इमेज को देखता है, क्योंकि हर एक बॉडी ना एक हीट रेडिएट करता है। जैसे मेरा भी बॉडी है, आपका भी बॉडी है, आप कहीं भी चले जाओ, बॉडी से एक हीट रेडिएट हो रहा है, उस हीट को ये पहचान लेता है। लेकिन उससे जब आगे के सिनेरियो में जाते हैं, जैसे अगर कोई बहुत मोटा कपड़ा ओढ़ के बैठ गया जंगल में या युद्ध में, तो ये थर्मल कैमरा उसे पहचान ही नहीं पाएगा। और जब थर्मल कैमरा भी फेल हो जाता है, तब फोर्थ जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया गया IR सेंसर का। IR सेंसर को कोई मतलब नहीं आपके बॉडी के हीट से, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसमें बस एक टेम्परेचर फिट कर दिया गया है कि जैसे 200 या 400, जैसे हम मान लेते कि 200 डिग्री या 300 डिग्री किसी बॉडी से हीट रेडिएट हो रहा है, जो इंजन है किसी भी सीप या किसी भी मिसाइल से, उसे 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है। अब ये जो IR सेंसर है ना, वो जब इसको 300 डिग्री से ज़्यादा जहाँ हीट मिलेगा वो सिर्फ उस पार्ट को दिखाएगा और बाकी सारा पार्ट ब्लैक कर देगा। और ऐसे केस में जहाँ से कोई हीट ही रेडिएट नहीं हो रहा है, कोई इंजन ऑन ही नहीं है, उस केस में तो ये तपस फेल हो जाएगा ना। तो उसके लिए इसमें जो नेक्स्ट रडार का इस्तेमाल किया गया, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये बिल्कुल अंधा होता है। इसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है भाई, ये देखता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता है, बिल्कुल अंधा होता है। ये क्या करता है ना, वेव भेजता है, वेव भेजेगा, वेव फिर टकरा के आएगा, और टकरा के आने के बाद वो एक फिगर क्रिएट करता है। जैसे हम पाकिस्तान के किसी एयरबेस का बात करते हैं, तो ये जब वेव भेजेगा ना, वेव टकरा के आने के बाद वो एग्जैक्ट फिगर क्रिएट कर देगा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में, और उसको देख के पता चलता है कि अच्छा ये फाइटर प्लेन है, ये रनवे है, ये बिल्डिंग है, और तब हमला करता है। तपस लेजर गाइडेंस सिस्टम का यूज करता है दुश्मन को पहचानने के लिए और वार करने के लिए। लेजर गाइडेंस सिस्टम में क्या होता है, एक सैनिक कोई लेजर लाइट दूर से ही पाकिस्तान या चाइना के टैंक पे मार देगा, और ये जब लेजर लाइट उस पर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लेजर लाइट आप जानते हैं कि लेजर लाइट किसी भी चीज पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होता है। जो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो उसे पकड़ लेता है, उसे पहचान लेता है, और उसे पता चल जाता है अच्छा यहाँ मुझे मिसाइल मारना है। और इस तरह तपस लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जो टैंक्स हैं या फिर शिप्स हैं वो उन्हें खत्म करता है। आशा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।